उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC को भविष्य के लिए आधार दस्तावेज बताया है। इसके साथ ही उन्होंने NRC लागू किए जाने के दौरान बिगड़े हालातों का जिम्मेदार कुछ मीडिया संस्थानों की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्ट को बताया। उन्होंने NRC को लेकर ये बात पोस्ट कॉलोनियल असम किताब के विमोचन कार्यक्रम में कही। हाल ही में भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू किया था। इस बीच नए साल यानी 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक के नियम और सख्त होने जा रहे हैं। दरअसल डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग DGS ने जहाजों पर प्लास्टिक का उपयोग कम करने की दिशा में पहल की है। बता दें कि नए साल से भारतीय जहाजों पर कई प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी अबू बकर अल बगदादी के अमेरिका द्वारा मारे जाने के बाद ISIS ने अल कुरैशी को अपना नया सरगना चुना है। वहीं मिस्र और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों ने इस्लामिक स्टेट IS के नए सरगना का समर्थन किया है। IS की मीडिया शाखा द्वारा शनिवार को इस बात की पुष्टि की गई। दिल्ली NCR में स्मॉग की घनी चादर छाई हुई है। NCR के सभी शहरों की हवा गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर स्तर के बीच रहने से लोगों को दम घोटू हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं कम विजिबिलिटी के कारण विमान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। एयर इंडिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रदूषण के कारण कम विजिबिलिटी की वजह से रविवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे से 37 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। जम्मू कश्मीर में सांबा जिले के शेर बच्चा स्टेडियम में रविवार को सेना भर्ती रैली का आयोजन किया गया। सांबा, कठुआ व जम्मू के युवाओं के लिए 12 नवंबर तक ये रैली भर्ती चलेगी। इस रैली में भारी संख्या में युवा उमड़े। जम्मू संभाग के 44,000 से अधिक युवाओं ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है। भर्ती रैली आयोजन के पहले दिन 3,067 से अधिक युवा शारीरिक परीक्षा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बैंकॉक में आयोजित 16वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कहा कि आसियान हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूर्व की ओर देखो नीति का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। एक एकीकृत और प्रगतिशील आसियान भारत का पक्ष लेगा। उन्होंने कहा कि हम समुद्री रक्षा, समुद्री संसाधनों से जुड़ी अर्थव्यवस्था और इस तरह के कई अन्य मुद्दों पर मानव सहयोग पर अपनी साझेदारी को मजबूत करना चाहते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर समरौली के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाहन में सवार सभी यात्री श्रीनगर से जम्मू आ रहे थे। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जारी गतिरोध के बीच अब नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। अभी तक शरद पवार की पार्टी NCP विपक्ष में बैठने की बात कर रही थी, लेकिन अब NCP के भी सुर बदलने लगे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने स्वीकार किया कि शिवसेना से बातचीत के लिए उन्हें फोन आया था।